मुस्कान अभियान चलाया तो दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक नाबालिग बच्ची जिसकी कहानी इतनी दर्दनाक है कि जो सुनता है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस बच्ची को दलालों ने किसी सामान की तरह बाजार में 4 बार बेचा था। युवती गुमशुदा थी, जब पुलिस ने ढूंढा तो पीड़िता ने आपबीती सुनाई। मामला छतरपुर का है, जहां पुलिस द्वारा मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है। इसी मुस्कान अभियान के तहत पुलिस एक गुमशुदा नाबालिग बच्ची की तलाश कर रही थी। पुलिस जब बच्ची ढूंढ कर लाई तो बच्ची की आपबीती सुनकर सब सकते में आ गए। दरअसल ओरछा रोड थाना क्षेत्र से एक नाबालिग युवती पिछले साल अचानक गायब हो गई, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में की थी। इस गुमशुदा नाबालिग बच्ची के ग्वालियर में होने का पता पुलिस को चला तो पुलिस की एक टीम ग्वालियर गई और गुमशुदा नाबालिग युवती को बरामद कर थाने में ले आई। जब महिला पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए तो पूरे मामले का खुलासा हो सका। नाबालिग बच्ची मानव तस्करी का शिकार हो चुकी थी। उसकी खरीद फरोख्त एक बार नहीं बल्कि 4 बार दलालों ने की थी। इस नाबालिग युवती का 4 अलग अलग लोगों ने सौदा करके उसे बेच दिया था। सबसे पहले इसे दिल्ली में बेचा गया था। पुलिस ने नाबालिग युवती के बयान पर खरीद फरोख्त करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी का कहना है कि महिलाओं के खरीद फरोख्त के 2 साल के दौरान 3 मामले सामने आए हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी? सरकार इन मानव तस्करों के खिलाफ सख्त कदम कब उठाएगी? छतरपुर जिले के थाना ओरछा रोड अंतर्गत 2 फरवरी 2023 को एक दस्तियाबी की गई थी। दस्तियाबी में जब तथ्य सामने आए, विस्तृत बयान लिए गए, तो विस्तृत बयान के आधार पर एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा गया है, जिन्होंने बच्ची को अलग अलग समय पे अलग अलग दाम पे बेचते हुए यहाँ से दिल्ली, दिल्ली के बाद झांसी, अलग अलग स्थानों पे रखा। इसमें जो विभिन्न आईपीसी की धाराएं हैं और जो पॉस्को एक्ट की धाराएं हैं उनके तहत कायमी की गई है, और जितने भी आरोपी थे उन सबको अभिरक्षा में ले लिया गया है। हम लोग इसको चिन्हित प्रकरण रखते हुए यथाशीघ्र सजायाबी का प्रयास करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।